नमस्कार दोस्तों भाइयों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों भाई राजा भाई की, जो कि भाई किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और भाई आज हम इनके पास आए हैं लुधियाना मलेरकोटला रोड पे, जो कि इनकी भाई फैक्ट्री है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ भाई साहब, पहले की तरह ही अच्छा हूँ और कुछ मजा आयु जी। अच्छा हाँ। तो आज क्या लेके आए हो दर्शकों के लिए? आज मैं आपको स्प्रे पंप, स्प्रे का अभी क्या होता है, फार्मर भाई ने, बरसात हो चुकी है, काफी कीड़ा आ चुका है फसलों में, तो वहाँ पे हर फार्मर को स्प्रेयर की जरूरत है। तो आज मैं आपको कौन सा स्प्रेयर कहाँ पे यूज होगा, क्या काम होगा, कौन सी फसल पे कौन सा स्प्रेयर यूज होना चाहिए, वो आपको दिखाने वाला हूँ जी। अच्छा जी। तो कितने मॉडल रखे अभी अपने भाई पास? ये हमारे पास एक तो पोर्टेबल मॉडल है, ये हमारा डायमंड प्लस, जो अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे फार्मरों के पास चल रहा है। और ये हमारा, ये भी पोर्टेबल है, ये HTP के साथ है, जिसको प्लंजर पंप बोल रहे हैं। ये वाला जो है 39 cc का पोर्टेबल है जी। अच्छा सर, जैसा ये पोर्टेबल पंप इधर रखा है जी, इसमें भी शायद इंजन लगा हुआ है? बिल्कुल, इसमें 2.5 HP का इंजन लगा हुआ है जी। 2.5 HP का? बिल्कुल 2.5 HP का इंजन लगा हुआ है। अच्छा, एक सवाल है सर मेरा। बोलिए जी, दो सवाल पूछिए, जो आपके मन में पूछ डालिए आप। नहीं, जैसा ये 2.5 HP का है, हाँ। अब कुछ किसान भाइयों के मन में मित रहते हैं कि भाई जैसा HP कम है, ठीक है, स्पेयर पार्ट छोटा है इसका, कभी ये खराब हो जाए? 2.5 HP बहुत बड़ा होता है भाई जी, देखने में छोटा है, काम बहुत। अरे देखिए, किसान भाई भी सही सोचते हैं जी, किसानों को होता है बड़ा बड़ा लोहा हो, बड़ा बड़ा जे हो तो बड़ा। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, तकनीक चेंज हो गई है, जमाना चेंज हो चुका है, जितना छोटा होगा उतना ही काम अच्छा होगा। अरे भाई, लोहे से कोई मतलब नहीं होता जी, तकनीक सही होनी चाहिए। बिल्कुल, तकनीक अच्छी होगी, छोटे छोटे चीजों में भी बड़ा कार्य हो जाता है जी जी जी। अच्छा सर, यहीं पे अगर लगे आते हम इसकी बात करें गारंटी वारंटी की, हाँ। तो इसकी गारंटी भाई क्या है? मेरे राजा भाई के किसी को भी प्रोडक्ट के पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा गारंटी देता हूँ, वारंटी देता हूँ। मेरे फार्मर की भी गलती से खराब हो जाए, फोटो भेज दीजिए, बिल का फोटो भेज दीजिए, चेंज कर दूंगा, बात खत्म है। ये मत पूछा करिए राहुल बेटे, आपको भी कितनी बार वीडियो बना चुके, आप हर बार ये पूछ लेते हैं मेरे। नहीं सर, देखो कन्फर्म होना चाहिए ना हर वीडियो में, कभी भी मैंने हमेशा गारंटी दिया, वारंटी देता ही नहीं हूँ भाई। अच्छा, गारंटी है जी जी। कितने दिन की? एक साल की, एक वर्ष की। एक साल की जी जी। अच्छा, तो जैसा ये बीच वाली मशीन रखी सर, इसका हम फुहारा वगैरह कुछ चेक कर सकते हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा सकते हो? बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इसका जो फुहारा है तकरीबन 40-45 फीट का है, ये डबल पावर का है। ये डबल पावर कैसे है, देखिए जहाँ से भी इसको, जहाँ से भी प्रेशर मिल रहा है, ये देखिए जहाँ पे से भी प्रेशर मिल रहा है और जहाँ से भी प्रेशर मिल रहा है, जिसके कारण इसका डबल पावर बन जाता है। डबल पावर बनने के कारण इसका जो फुहारा है 40-45 फीट दूर जाने वाला है। अच्छा जी। और आप बोल रहे थे कुछ गन भी हम इसके साथ स्पेशल देते हैं? बिल्कुल, ये हमारी इटालियन गन है, ये जो गन है अमेरिका की टीजेट कंपनी की आती थी, सेम ये गन, ये ओरिजिनल टीजेट कंपनी की नहीं है भाई, उसको कॉपी किया है। इसको हमने बहुत कड़ी मेहनत की थी, 3 वर्ष हम इसके ऊपर लगे रहे। टीजेट कंपनी की जो गन है तकरीबन 5500-6000 की आती थी, कोई भी नहीं खरीद सकता, मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं नहीं खरीद पा रहा था जी। तो मैंने उसकी नकल मार के ये हमने तैयार की है जी। ये जी जी। नहीं देखो, नकल में भी तो सर अकल चाहिए ना भाई, बेसिकल इंजीनियर हूँ तो भाई साहब अकल तो होगी, और मेरा स्टाफ बड़ा टेक्निकल है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो कभी भी नकल नहीं मार सकते जी। तो सर एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, हाँ। ये देख लो, जैसा यहाँ पे आपको फोटो लगी है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसके नीचे लिखा है RBW जी, तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो इसका मैं मतलब बताने वाला नहीं हूँ। अच्छा, RBW बड़ा सोच समझ के रखा है। तो लिखा क्यों है सर? अरे भाई साहब, मैं बताता हूँ ना जी, हमारे जो हमारा नाम राजा है, मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया है जी, और हमारे नाम से कई लोगों ने आगे या पीछे डुप्लीकेसी कर रखी है जी, हमारी फोटो दिखा के किसान भाइयों को लूट लिया जाता है। अरे भाई, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए हमने ब्रांड ही चेंज कर दिया, हमने ब्रांड का नाम रख लिया RBW जी। कई दुकानदार ऐसे हैं जो के हमारे राजा नाम के आगे पीछे लगा के किसान भाइयों को बेवकूफ बना देते हैं कि राजा भाई का प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ किसान भाई हमारी फोटो देख के ही प्रोडक्ट को खरीदे, जिस प्रोडक्ट पे ऊपर हमारा फोटो नहीं होगा वो कभी भी मत खरीदे जी। अच्छा सर, इसका मतलब तो बता दो। इसके लिए भाई साहब, जो RBW का मतलब बताएगा उसको मैं 500 रुपये का अगर पंप ले रहा 500 का डिस्काउंट करूंगा, जिसने कोई मशीन भी नहीं लेनी है और RBW का मतलब बता दिया उसको मैं 500 रुपये का गिफ्ट टाइम पर दूंगा, कोई भी मशीन लेनी हो उसमें 500 रुपया डिस्काउंट करूंगा जी। अच्छा,
पक्की बात है? अरे वो जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। आरबीडब्ल्यू का शायद यही मतलब होगा सर, राजा भाई बिल्डर। अरे सोचते रहिए जब जिस दिन असली मतलब बताऊंगा जरूर बताऊंगा जी। मैं चाहता हूँ मेरे फार्मर भाई बताएं। अच्छा। जो मेरे से प्यार करते हैं। अच्छा चलो खैर दोस्तों भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई क्या मतलब हो सकता है। ठीक है ये मतलब सर ने एक मित्र रख दिया वीडियो के अंदर। ठीक है तो जैसा ये सर आपका पोर्टेबल पंप है इसके ऊपर हम कितना पाइप यूज कर सकते हैं? देखिए जो हमारा ये वाला पोर्टेबल पंप है इसके साथ आप 100 मीटर तक का पाइप लगा सकते हैं। अच्छा। ये बड़ा हल्का फुल्का है, मात्र 6-7 केजी का वजन है जी। अच्छा। इसको कहीं भी फार्मर उठा के लेके जा सकता है जी। इसके साथ आप 100 मीटर का पाइप लगा सकते हैं जी। और जो प्रेशर रहने वाला है वही 40-45 फीट रहने वाला है जी। देखिए जो ये हमारा डायमंड प्लस मॉडल है इसके साथ आप पीठ पे भी उठा सकते हैं और इसके साथ भी आप पाइप लगा सकते हैं। इसके साथ भी 100 मीटर का पाइप लगा सकते हैं। कई फार्मर भाइयों ने सिर्फ उठाना होता है, उन्होंने लंबी पाइप नहीं वो वाला जे फार्मर यूज करें। अगर किन्हों ने भाई साहब रख के ही पाइप चलाना है वो जे वाला लें। कई फार्मर भाइयों ने 1000 फीट तक का पाइप लगाना है वो ये 2.5 HP का इंजन लगाएं और साथ में ये प्लंजर पंप लगाएं, ये 1000 फीट तक का पाइप लेके जाएगा जी। 1000 फीट तक? बिल्कुल 1000 फुट तक पाइप का तक प्रेशर लेके जाएगा। अच्छा सर ये यहाँ पे गड्ढा रखा हुआ है जो, हाँ? ये कितने मीटर का है? अरे भाई साहब ये 100 मीटर का है, मतलब कि 325 फीट का है जी ये। जी जी। अच्छा तो इसको क्रॉस कर देगी ये मशीन जो इधर रखी आपने? चला के दिखाऊंगा, डेमो दूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना सर। अरे भाई साहब प्रैक्टिकल दूंगा, आशु बेटे जरा आओ चला के दिखाओ जरा। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी पोर्टेबल दिखाते हैं। तो सर देखिए आपकी मशीन की शक्ति और आपकी गन की। अरे भाई साहब मेरी शक्ति नहीं मशीन की शक्ति दिखा रहे हैं। मैंने भी आपकी मशीन की और आपकी गन की बोला है सर। तो बेटा आशु बेटा स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ये देखो दोस्तों अभी शक्ति प्रदर्शन देखते हैं इसका। ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये 4 स्ट्रोक का इंजन है 39 cc का। बेटा रेस जरा रेस दीजिए, ये देखिए ये देखो भाई बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आपने गन को बंद कर दिया भाई, इंजन के ऊपर लोड नहीं पड़ने वाला, ये बंद कर दिया भाई। बंद हो गया ना? बिल्कुल। चलाना अब दे लो जी, दे लो दे लो, ये देखो भाई ले लो जी, ये बंद कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया। अरे भाई टेक्नोलॉजी का कमाल है, नहीं कुछ पंप ऐसे होते हैं इंजन होते हैं, अगर गन बंद कर दिया तो इंजन के ऊपर लोड पड़ जाता है, इसके ऊपर कोई भी लोड पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए भाई साहब ये देखिए, अभी मैं ये भी आपको चला के दिखा देता हूँ ये कितना जबरदस्त से चलता है। कई भाई साहब दुकानदार ऐसे ही बोल देते हैं कि ये 50 cc का है या 60 cc का, ऐसा नहीं होता भाई साहब। अगर 39 cc से बड़ा इंजन होगा ना तो वो उठाया जाएगा, क्योंकि जो इंजन का ये वजन है ये 39 cc का 5.5 kg होता है। अगर 50 cc का इंजन होगा वो इतना भारी हो जाएगा, मतलब कि 14-15 kg का हो जाएगा, उठाया ही नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लोग बोल देते हैं, 39 cc बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 20 लीटर पानी भी आता है वो भी उठाना। अरे भाई साहब 20 नहीं आता, 25 लीटर मार्क लगा हुआ है। अच्छा। फार्मर भाई देखिए एक कितना भी पानी उपयोग कर सकते हैं, 20 भी उपयोग कर सकते हैं, 25 अच्छा, लीटर तक 25 आता है। जी 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 जी। अच्छा चलाओ बेटे इसको भी चला के दिखाओ। तो दोस्तों भाई हम तो 20 ही सोच रहे थे, पर लेकिन 25 लीटर पानी। देखिए पता क्या, कई फार्मर 25 लीटर भी उठा सकते हैं, कई 20 उठाते हैं, कई 15 उठाते हैं, जितना भी उठाना जाता है फार्मर उतना उठा सकता है, उतना पानी डाल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बारीक करना सर, बिल्कुल बारीक करना। लो जी, ये लो। बारीक कर, ये लो जी। बंद नहीं करना, बिल्कुल लंबा कर दो। ये लो जी। ये देखो दोस्तों, जैसे सुई होती है ऐसे प्रेशर है भाई। ये देखो लो जी। और मुझे लगता है इसका जो प्रेशर जा रहा है काफी ज्यादा जा रहा है। ये देखिए ये देखिए, जैसे ही मशीन चला के देखी इसका कुछ प्रेशर ज्यादा है। अरे भाई साहब इसमें 2 चीजों का कमाल हो गया, एक तो डबल पावर का कमाल हो गया, एक हमारी ये इटालियन गन का कमाल हो गया। अच्छा। जो इसके कारण ये ऐसा प्रेशर बन गया है भाई साहब। अच्छा जी जी। तो जैसा आपने दो क्या बोल रहे हो आप, डबल पावर क्योंकि इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इसके इधर से भी प्रेशर। अच्छा, जैसा डबल प्रेशर आपने लगाए हैं मशीन के अंदर, तो इसका कोई रेट वगैरह तो नहीं पड़ा है? अरे रेट वही है भाई साहब, बहुत वही पुराना रेट है। कई कंपनियों के क्या फॉर्मूले होते हैं सर,
बोला ये डबल प्रेशर बता दिया, ठीक है, कोई एक दो नई चीज और लगा दी और भाई 1500 रुपए बढ़ाया। राजा भाई ने कभी जिंदगी में प्राइस नहीं बढ़ाया जी। जो भी करता हूँ इन्वेंशन, जितने पैसे कमाता हूँ मशीनों के ऊपर ही लगा देता हूँ। अच्छा। और अपने फार्मर भाइयों को ही देता रहता हूँ भाई साहब जी। कभी भी मैंने जिंदगी में पैसा नहीं बढ़ाया भाई साहब, कोई भी फार्मर नहीं बोल सकता बढ़ाया हो। अच्छा जी जी जी। अच्छा सर, तो ये वाटर प्रूफ है मशीन? बिल्कुल वाटर प्रूफ है बेटा, जरा चला के दिखाओ, आपको चला के दिखाते हैं। और हमारी जितने भी इंजन होते हैं भाई साहब वाटर प्रूफ होते हैं। ये देखिए भाई, ये देखो भाई, अब बंद कर दो, एक मिनट बंद करो। अब कई फार्मर क्या होता था दोस्तों भाई, घबरा जाते थे कि बोला भाई जैसा इसमें दवाई डालते हैं और ये कमर के ऊपर लगा रखी है कि बोला भाई इंजन पे पानी नहीं आना चाहिए। भाई साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंजन के ऊपर भी पानी आ गया कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये वाटर प्रूफ जितने भी, चाहे वो इंजन हो चाहे ये इंजन हो चाहे ये इंजन हो, सारे ही हमारे वाटर प्रूफ है भाई साहब। अच्छा जी 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 जी। सर जैसा हमने मशीन चला के देखी जी, ये अच्छी चली जी, ये उससे थोड़ी और अच्छी चली जी, क्योंकि इसमें आप डबल प्रेशर बता रहे हो जी जी, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जी, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। बोलिए जी। अब आते हैं इसके रेट पे जी, तो इसका रेट क्या देने वाले? अरे भाई साहब देखो मेरी बात सुनो। हाँ। देखो किसान का पैसा जो होता है ना, वो बहुत मेहनत का होता जी, है जी जी, तो उसमें ना आप ऐसे रेट दे दीजिए जो आज तक ना तो कभी किसी ने दिए। रेट वही पुराने दूंगा जो ये हमारा जो डबल पावर का डायमंड पंप है जी, इसका प्राइस 12,500 है। इसके साथ इटालियन गन और साथ में ये पाइप देगी और एक साथ में सर्विस किट भी साथ में दी जाएगी। अच्छा। जो ये हमारा 2.5 HP का है, इसका जो प्राइस है मात्र 21,500 का है। इसके साथ 70 फिट और इटालियन गन दी जाएगी। और ये वाला जो है हमारा, ये भी 12,500 का है, इसके साथ इटालियन गन दी जाएगी। जिस भाई ने पाइप एक्स्ट्रा लेना है उसका जो कोरिया का रीजनल पाइप है 72 रुपये पर मीटर का रेट है जी। अच्छा जी। इसके साथ कितने मीटर का पाइप आएगा? अरे भाई साहब इसमें तो 1 मीटर का ही पाइप आता है, अगर फार्मर भाई ने अलग से लेना है 72 मीटर अलग से पाइप लेना पड़ेगा जी। अच्छा जी, ये मतलब आपने मशीनों के रेट बताए जी। जी मशीनों के रेट बताए 12,500 रुपए दोस्तों, 12,500 और 21,500 21,000 और इसमें 70 फिट का पाइप और साथ में गन सभी के साथ इटालियन गन ही दी जाएगी। अच्छा चलो यहाँ तक भी ठीक है। सर अब ये बताओ आप डिस्काउंट क्या देने वाले हो किसानों के लिए? देखिए जो हमें RVW का मतलब लिख के भेजेगा जी, उसको स्पेशल 500 रुपए का डिस्काउंट करूंगा। अच्छा। अगर किसी किसान भाई ने जो मशीन भी नहीं लेनी है जी, और उसको भी हम स्पेशल गिफ्ट वाउचर देंगे जो कि 6 महीने में यूज कर पाएगा। अगर इसका मतलब बता दिया तो इसमें 500 डिस्काउंट हो जाएगा। अगर कोई और मशीन, जैसे हमारे पावर वीडर है, हमारे पास रीपर है और बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें से 500 रुपए का उनको डिस्काउंट हो जाएगा भाई साहब। अच्छा, और वो जो गिफ्ट वाउचर है फार्मर भाई 6 महीने में कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ। जी। तो सर आज ये मशीन बहुत सारी लगाई है आपने, इसका क्या रीजन है? सारी मशीनें यहीं पे लगा दी क्या? अरे भाई ये तो 40-50 मशीने आई, अंदर ग्राउंड में जाके देखिए। अच्छा। हजारों की गिनती में मशीने पड़ी हैं, देख सकते हैं। अरे आ जाओ बेटे, ये देखो भाई दोस्तों, ये यहाँ पे सामने जो ग्राउंड पड़ा है ना, ठीक है, इसमें मशीने भरी पड़ी हैं। चलो देखते हैं एक बार, ये देखो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों गोडाउन चेक करते हैं कि राजा सर के पास स्टॉक भी होता है या कहीं से मंगा के देते हैं। सर बनाते हैं ना इनको? अरे देखिए राजा भाई ने ना तो कभी झूठ बोला है जी, ना ही बोलना है जी। आइए आपको गोडाउन ही दिखा, पहली बार किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया है तो आज ये आपको गोडाउन ही दिखाते हैं भाई। देखो आइए दोस्तों, स्टॉक चेक करो आप, आइए ये देखो स्पेयर पार्ट लगा है इधर, क्योंकि सर पावर वीडर वगैरह भी बेचते हैं ना, ये भी काम करते हैं। ये देखो भाई बने हुए हैं सब, आइए ये देखो भाई, करो चेक, आइए। ओ भाई साहब, आइए ये देखो, वही तक स्टॉक रहेगा जी जी जी। अरे ये सब मशीनें मतलब आप ही की है? अरे भाई साहब मेरी फोटो लगी हुई है तो मेरी होगी, तो और किसकी होगी भाई? अच्छा जी, ये देख लो भाई, ठीक है आप स्टॉक चेक करो, स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी, फुल मात्रा में, ठीक है। तो सर एक सवाल हो रहा है जी, पूछिए। अगर कोई मतलब आपका डीलर बनना चाहता है तो आप डीलरशिप भी दे सकते हो? अरे भाई साहब देखिए, ये छोटे प्रोडक्ट है, कई बार फार्मर भाई नहीं आ सकते हैं या ऑनलाइन नहीं बाय कर सकते हैं,
तो वहां का एरिया का अगर कोई डीलर बोलेगा तो हम डीलर भी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे देंगे। अच्छा। लेकिन एक कंपनी की शर्त रहेगी, जो हमने ये प्राइस बताया है इसी प्राइस में बेचना पड़ेगा उसको डीलर को, और सर्विस भी मेरे फार्मर भाई को देनी पड़ेगी, और रीजनल मशीन बेचना पड़ेगा, जो हमारी पक्की जहां पे तस्वीर लगी होगी वही मशीन उसको बेचनी पड़ेगी, ताकि फार्मर भाई से कोई धोखा ना हो सके। जी जी, कभी कोई आड़ में कुछ और बिजनेस चालू करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई सर की कुछ गाइडलाइन है, वो अगर आप डीलरशिप जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, ये गाइडलाइन है, देखिए पहली गाइडलाइन है फार्मर का ध्यान रखना, उसको प्रॉपर सर्विस देनी। बिल्कुल। दूसरा जो मैंने प्राइस बोला है यही प्राइस पे मुझे देनी पड़ेगी। जी। तीसरा है डुप्लीकेसी नहीं करनी भाई, हमारी फोटो वाली ये भी मशीन देनी है, फार्मर को गुमराह करके नहीं देनी, बोल दिया ये है और दे दिया कुछ और है। जी जी जी, तो भाई सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है, डिस्काउंट भी हो गया आपको, मतलब अपना मतलब सब कुछ माल भी चेक करवा दिया कि भाई फुल मात्रा में माल पड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि बोला भाई मंगवा के देना है या कहीं, क्योंकि बल्क में बनाते हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों भाई यही था वीडियो, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय किसान।